राजस्थान के टोंक में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। नरेश मीणा को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज किया, जवाब में पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने हंगामा कर रहे नरेश मीणा के समर्थक हिरासत में ले लिया। हालात पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग भी की जा रही है। लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। आपको बता दें कि उपचुनाव की वोटिंग के दौरान नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी में बहस हो गई थी। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन पर उनका चुनाव चिन्ह बहुत हल्का दिख रहा है। इसी बहस के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद से ही सारा बवाल शुरू हुआ।